देश भर में जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वो वाकई बड़ी अनहोनी से पहले का संकेत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में शनिवार को कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 3000 का आंकड़ा पार कर गई। पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 752 नए केस मिले हैं, जो मई 2023 के बाद एक दिन में मिलने वाले सबसे ज्यादा मामले हैं। साथ ही 24 घंटे में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड 19 के नए वेरियंट JN1 को लेकर बताया है कि पहले के कोरोना वेरियंट की तुलना में इसका संक्रमण दर अधिक है और ये ज्यादा तेजी से फैल सकता है। It is spreading more rapidly and it is gradually becoming a dominant variant as far as COVID-19 is concerned, both in the US, in Europe, Singapore, and we are seeing more cases in India also. So it is causing more infection, possibly because it is more transmissible and taking over the older strains. But the data also suggests that it is not causing more severe infection, not causing more hospitalization, and most of the symptoms are predominantly of the upper airways like fever, cough, cold, sore throat, running nose and body aches. इधर WHO की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के केस में 52% का उछाल आया है। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कोविड टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। इधर तमिलनाडु में भी JN1 वेरिएंट का एक केस सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट पर है। वारिंगल में 62 साल की एक महिला पॉजिटिव पाई गई है, जिसको महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नए साल के जश्न से पहले कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार और हेल्थ सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। आप भी अब अलर्ट हो जाइए।